एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी समय से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड को अलग करने के बाद उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जरूर कम हुआ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज आज तक दिखाई नहीं दी। आपको बताते चलें कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और जब बजट की बारी आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में हमेशा भेदभाव की राजनीति तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। आज हमारे साथ हैं पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा जी, उनसे जानेंगे कि आज उनकी लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची, किन मुद्दों को लेकर वो इस मुहिम को चला रहे हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये जो आपने अपना मोर्चा बनाया तो इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? दरअसल में उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की प्रेरणा चौधरी चरण सिंह जी ने भी इस मुद्दे को उठाया और लाल बहादुर शास्त्री जी भी ने भी इसकी हिमायत की कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसे छोटे छोटे राज्यों में बांटकर ही इसकी उन्नति संभव है। तो ये प्रेरणा चौधरी चरण सिंह जी से हम लोगों को मिली। तो मौजूदा समय में ऐसा क्या मानते हैं आपके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए तो इसका किस रूप में सीमांतरण किया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों की समस्याएं कम हो सके? उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनसंख्या है, 75 जिले हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, 18 मंडल हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। इतने बड़े राज्य का संचालन लखनऊ में बैठकर कोई मुख्यमंत्री ठीक से नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के मात्र 5 देश उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। हम लोगों ने, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण का संघर्ष शुरू कर दिया है, जिसके लिए हम लोग जो हैं सहारनपुर से लेके शाहजहांपुर तक और 6 मंडलों वह 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण के लिए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने संघर्ष शुरू कर दिया है। अब जैसे कानून व्यवस्था की बात आती है, राज्य बड़ा है, 22 करोड़ की आबादी है, तो कानून व्यवस्था को आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड आदि में किस रूप में ले रहे हैं? बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में कानून व्यवस्था बेहतर होती है, उसके उदाहरण है चाहे आपका हरियाणा है छोटा राज्य, चाहे पंजाब है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है। तो छोटे छोटे राज्यों से जहां कानून व्यवस्था में सुधार होता है, वहीं छोटे छोटे राज्यों से उन्नति में भी सहायक सिद्ध होते हैं छोटे राज्य। और जब तक पश्चिम प्रदेश अलग नहीं बनेगा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का यह संघर्ष जारी रहेगा। अब जैसे राजस्व की बात हम करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राजस्व देता है सरकार को, लेकिन जब बजट का नंबर आता है तो पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, इन जगह पर पैसे की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन विकास के मामले में वो भी पीछे है। देखिए, जितना बजट होता है उत्तर प्रदेश सरकार का, चाहे केंद्र का बजट होता है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ भेदभाव बरता जाता है जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले उत्तर प्रदेश सरकार को 80% राजस्व देते हैं और यहाँ के विकास पर खर्च होता है मात्र 19%। तो हमारी इसमें डिमांड है कि जिस रेशो में हमारे से राजस्व वसूल किया जाता है, उसी रेशो में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा चिकित्सा के साधन बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। आपके मोर्चा की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए अब क्या योजनाएं हैं, किस स्तर पे आपका मोर्चा संघर्ष कर रहा है या काम कर रहा है? हम लोगों ने जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी जिलों में जाके मीटिंगें कर रहे हैं और गांव गांव नगर नगर हम लोग नुक्कड़ सभा करके पश्चिम प्रदेश की मुहिम को तेज कर रहे हैं और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा इसके लिए बराबर संघर्षरत है। हम लोग जो हैं सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग आज मुरादाबाद, बिलारी, गजरोला हम लोगों ने बैठ के आयोजित करके अलग राज्य की शुरुआत जोरदार तरीके से मुरादाबाद मंडल में भी कर दी गई है।
आपके साथ में ऐसे कितने संगठन हैं जो आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, और कहां कहां पर आपका संगठन इस तरह के काम कर रहा है? पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जितने भी चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो वकीलों के संगठन है, चाहे वो प्रधानों के संगठन है, सभी संगठनों से टाई अप करके हम लोग सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी अखिल भारतीय प्रधान संगठन और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी से हम लोगों ने संपर्क किया है और उनसे सहयोग की अपील की है। तो इसी तरह से हम लोगों को लगभग 50 संगठन वर्तमान में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ अलग राज्य की मुहिम में खड़े हो गए हैं, और बहुत जल्द हम लोग जो हैं सरकार पर, केंद्र सरकार पर इस तरह का दबाव डालेंगे संघर्ष के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, कि ये हमारा पश्चिम प्रदेश 26 जिलों को मिलाकर अलग बनाया जाए। जैसे मायावती जी की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में, चार भागों में बांटने की बात आई थी, लेकिन वो बात अब बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। तो क्या कोई राजनीतिक दल भी आपके साथ में इस मुहिम में है? क्योंकि जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उनका भी संघर्ष बड़ा लंबा चला था। देखिए, राजनीतिक दलों का जहां तक वास्ता है, अभी नया नया गठजोड़ सपा और बसपा का हुआ है, तो बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी इस राय से इत्तेफाक रखती थी कि इसे चार भागों में बांटा जाए, लेकिन अब सपा से उनका टाइप होगा, समाजवादी पार्टी तो चाहती नहीं कि अलग राज्य बने जी। और ये हम लोग जो है, चाहे वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेता हैं, और समाजवादी पार्टी है, लोकदल है, अजीत सिंह जी भी चाहते हैं कि भाई ये अलग राज्य बनना चाहिए। तो जो लोग अलग राज्य की हिमायत करने वाले हैं, हम इस तरह का भी एक मुहिम चलाए हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि जो पश्चिम प्रदेश की बात करेगा वही हमारी वोट प्राप्त करेगा। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो यहाँ का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का ये उत्तराखंड में देने की बात कर रहे हैं, जैसे ठाकुरद्वारा तहसील है, या फिर दिल्ली NCR का एरिया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति है क्या? देखिए, बिल्कुल निराधार बातें हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें निराधार हैं। और सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अपने कुछ समस्याएं हैं, उत्तराखंड के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यह और मैदानी क्षेत्र हमारे राज्य में मिलाए जाए। दिल्ली के लोग भी नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दिया जाए। हरियाणा के लोग भी इसी तरह से चाहते नहीं है कि हमारा जो है एरिया बढ़ा जाए। तो ये तो जब तक पश्चिम प्रदेश अलग नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। और 26 जिलों को मिलाकर बनने वाला है पृथक पश्चिम प्रदेश, देश ही नहीं दुनिया का सबसे उन्नतिशील, खुशहाल और विकासशील प्रदेश होगा। यहाँ पर कैपिटा इनकम देश में सबसे अधिक होगी, जो आज सबसे कम है। मौजूदा समय में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, राज्य बड़ा होने की वजह से ना तो यहाँ रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं, और जो राजनीतिक रूप से घोषणाएं की जाती हैं वो भी खोखले बाधित साबित होते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने के बाद में रोजगार मिलेगा, ये बात सभी मानते हैं, लेकिन क्या सरकार इस चीज पे राजी होगी? देखिए, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है जी। यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चाहेगी तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को अलग करने का अधिकार भी संविधान संसद को देता है जी। तो इसमें निश्चित रूप से जो छोटा राज्य होगा, और उत्तर प्रदेश को हम चाहते हैं कि चार भागों में बांट दिया जाए, तो जो चार उत्तर प्रदेश के राज्य होंगे उन चारों राज्यों में नौकरी के भी अवसर ज्यादा होंगे। आज यदि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां मात्र 2% Class 1-2 में 2% लोगों की भागीदारी है, Class 3 और 4 में 7% लोगों की भागीदारी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 30% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें 30% रोजगार होना चाहिए। तो जब हमारा अपना पश्चिम प्रदेश अलग बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को 100% रोजगार मिलेगा। आज तो सबसे ज्यादा उपेक्षा लखनऊ में, सबसे ज्यादा उपेक्षा पश्चिम उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवाओं की हो रही है, उन्हें कोई रोजगार नहीं है। जिसे 2 करोड़ रोजगारों की बात भी की गई थी,
हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां के युवाओं को रोजगार मिला हो। और बात अगर रोजगार से हटके व्यापारिक रूप से की जाए तो व्यापारिक रूप से आपकी नजर में क्या फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को होगा जब ये प्रदेश अलग हो जाए? देखिए, पृथक पश्चिम प्रदेश के निर्माण से जी, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, दुकानदारों, बेरोजगारों, छात्रों, सभी को लाभ होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापारियों को व्यापार करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, और किसानों को जिस तरह से आज गन्ने का भुगतान भी सरकारें नहीं कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 119 चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक 13,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया है। तो यहां कानून का राज नहीं है, कितना ही बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, यहां पर जो है किसानों की भी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, मजदूरों की भी बढ़ रही हैं, और शिक्षा चिकित्सा जो ये हम लोग पश्चिम प्रदेश अलग बनाने की बात कर रहे हैं, जिस दिन ये राज्य अलग बनेगा तो निश्चित रूप से यहां शिक्षा चिकित्सा भी निःशुल्क होगी सबके लिए। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, जनता के लिए आप ऐसा क्या संदेश देंगे जो आप अपने संगठन की तरफ से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, दुकानदारों, बेरोजगारों, नौजवानों, सभी के लिए हमारा यह संदेश है कि सबकी उन्नति के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ जनता की उन्नति और तरक्की के लिए आप लोग सब जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का साथ दीजिए। अलग राज्य में हमारी मुहिम पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़िए। तो ये थे पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा जी, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हितों के लिए ये जंग शुरू की है। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर विकास चाहिए तो शायद इनका साथ देना पब्लिक के लिए भी फायदे का सौदा होगा, क्योंकि छोटा राज्य तरक्की करता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका सीधा सा उदाहरण उत्तराखंड है, हरियाणा है, और भी जो छोटे छोटे राज्य हैं उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी तरक्की के रास्ते पर हैं। अजय प्रताप सिंह, ABPS न्यूज, मुरादाबाद।